जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा, राहुल गांधी को बेचैनी हो रही है। कुछ लोगों की विचारधारा दूसरों की लकीर छोटे करने की मानसिकता है। पीएम के नेतृत्व में भारत ने G20 का आयोजन संभव किया। सफलतापूर्वक आयोजन पर जलन छोटी मानसिकता के दलों को ही, ये ज्योतिराज सिंधिया ने कहा। दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना की गई है। आज देश की जनता ऐसी नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, तीसरी बार भी देश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अंशुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर ही मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर ये निशाना साधते हुए बोला है कि जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है तो एक बेचैनी का अनुभव जो है वो उन्हें हो रहा है और कुछ लोगों की विचारधारा जो होती है वो दूसरों की लकीर छोटी करने की मानसिकता होती है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से G20 का जो सफल आयोजन किया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिससे भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों की शक्ति का अनुभव किया गया है, जिससे दिल्ली की डेकोरेशन संभव हुई है, उस सफलता आयोजन पर जलन जो है वो कुछ छोटी मानसिकता के दलों को हुई है और यही कारण भी है कि दोबारा विदेश में जाकर माता की आलोचना की गई है। साथ ही सिंधिया ने यह भी कहा कि आज देश की जनता जो है वो ऐसी नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है और तीसरी बार भी देश की जनता जो है इन्हें सबक सिखाएगी। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस दल ने दिल्ली कमांड कल्चर से खुद को संचालित किया है, जिस दल ने राज्य स्तर के नेतृत्व को कुचलने का काम किया है, वह दल आज भाजपा को उपदेश दे रहे हैं, जबकि भाजपा का जो चुनाव होता है उनका चुनाव राज्य विधानसभा और गांव की जनता के दिल से संचालित होता है कि दूसरे दलों की तरह देश विदेश या दिल्ली से संचालित नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला यहाँ है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तो राहुल गांधी पर निशाना साधा है और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस को भी कमांड कल्चर दिल्ली से संचालित बताया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंशुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।